As Allah subhanahu wa ta'ala says to the angels, as he sees that slave of his standing up at night, go see what he's asking. Go see what she's asking me for. Oh my Lord, they're asking for your pleasure and for your forgiveness. Allah says to the angels, bear witness, oh my angels, that I have indeed become pleased with that person and forgiven that person. That's your time to get close to Allah and ask Allah for sins. So you gotta take that first step of walking away from that sin, and that step forward is gonna be at the night prayer. And that's where you say to Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, I'm sorry. When everything's quiet, when it's just me and you, I'm sorry, Ya Allah, and I'm seeking your forgiveness. The last thing I will say to your brothers and sisters in this regard is don't belittle the small amounts of qiyam. Beginning of the night, end of the night, middle of the night, two rak'ahs. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Don't belittle it. It matters. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है हुमा एंड थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग टू दिस वीडियो। तो आज मैं आपके साथ अपनी 5 AM की मॉर्निंग रूटीन जो है वो शेयर करने वाली हूँ। टुडे इज़ माय फ्राइडे मॉर्निंग रूटीन। सो सबसे पहले जी मैं अपना वजू कर लूँगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लूँगी और उसके बाद जब फजर की अजान हो जाएगी तो मैं अपनी फजर की नमाज़ भी पढ़ लूँगी। मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि आप जो है वो फजर की नमाज़ से कितनी देर पहले तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करती हैं, तो मैं यहाँ पर फजर की नमाज़ से 10-15 मिनट पहले ही तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लेती हूँ, और फिर जब अजान होती है तो मैं अपनी फजर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो इसमें कोई ज़्यादा गैप नहीं है। आप फजर की नमाज़ से पहले जो है वो अपने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं कुछ देर जो हूँ वो अल्लाह का जिक्र कर लेती हूँ, और अल्लाह का जिक्र करने के बाद मैं कुछ देर जो है अपनी डायरी लिख लेती हूँ, और उसके कुछ ही देर बाद जो है वो फजर की अजान का वक्त हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, फजर का वक्त हो चुका है, तो अब मैं इस वक्त फजर की नमाज जो है वो पढ़ लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मेरे ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है, तो ब्रेकफास्ट में मैं यहाँ पर ओट्स बना लूँगी अपने लिए। तो मैं यहाँ पर ओट्स प्रिपेयर कर रही हूँ, और उसके अंदर मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालूँगी। ये दिल से चाहती हूँ कि आप जो है वो इस मॉर्निंग रूटीन को ज़रूर जो है वो अपनी लाइफ में जो है वो ऐड कर ले, क्योंकि आप जब भी फजर की नमाज़ के टाइम पर उठते हैं और जब अल्लाह की इबादत करते हैं तो आपके दिल को बहुत सुकून मिलता है। यहाँ पर मैं अपना ब्रेकफास्ट जो है वो चेंज करती रहती हूँ। तो आज मैंने जो ओट्स बनाए हैं उसके अंदर मैंने थोड़ा ड्राई फ्रूट्स भी शामिल किया था, साथ में मैं कुछ जो हूँ ना इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज जो है वो ऐड कर रही हूँ। मुझे स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद है। साथ में मैं अपने लिए एक अच्छी सी जो है वो ग्रीन टी बना लेती हूँ। इससे जो है वो मैं पूरा दिन फ्रेश फील करती हूँ। सो मुझे सुबह के टाइम पर कॉफ़ी पीना और ग्रीन टी पीना बहुत पसंद है। तो आज के ब्रेकफास्ट में मैं अपने लिए एक मज़ेदार सी ग्रीन टी बना रही हूँ। तो ये जी मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है, और ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ पर मैं कुरान पाक की जो है वो कुछ देर तलावत कर लेती हूँ। तो तलावत जो है मैं आपको अपने पहले भी ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि आप जब भी कुरान पाक की तलावत करते हैं तो उसे तफसीर से पढ़ा कर, समझ कर पढ़ना कुरान को एक अलग बात है और उसे तफसीर से पढ़ना एक अलग बात है। तो आप जब भी कुरान को ट्रांसलेट करके भी पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आप उसकी लाजमी तफसीर से जो है आप कोई ना कोई आयत जो है वो पढ़ लिया करें और उसे याद कर लिया करें। तो इससे भी जो है वो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है।
जब आप अल्लाह का जिक्र बढ़ा देते हैं अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफ जो है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आपकी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो अब आपको अल्लाह हाफिज़ कहते हैं, और होपफुली कि आपको मेरा आज का जो व्लॉग है 5 AM मॉर्निंग रूटीन का वो बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।